अल्लाह करने वाला है, इंशाल्लाह मैं करूंगा। और सब्र करो, सब्र करो, याद रखो सब्र जहां पर आया है वो जंग का माहौल था, और जंग के माहौल के अंदर जब मान लोग इस्लाम के मानने वाले लोग बाटी के सामने खड़े थे तब वही नाजिल हुई। अपनी पूरी ताकत से कानून के तहत जो भी तरीका उस देश का हो उस देश के तरीके से मैं अपनी चीजों को, चाहे वो घर मकान बनाने की बात हो, चाहे वो इल्म लेने की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे बिजनेस चलाने की बात हो, चाहे वो अपने हक हकूक लेने की बात हो, उन बातों को उनका जो भी कानून उन्हें अच्छी तरह समझनी चाहिए थी। जो उन्होंने आदेश जारी किया वो इस तरह से किया जैसे भारत के तमाम लोग 70 साल का 80 साल का बूढ़ा भी पोस्ट ग्रेजुएट है और आज का बच्चा भी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जा रहा है। 100% शिक्षित है हमारे देश के लोग, इस तरह का उन्होंने आदेश जारी किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो क्या हो रहा है, हम पे अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि कि कोई पत्थरबाज बना दे रहे हैं, किसी को गलत बता दे रहे हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया जो हमारी ये बुजुर्गों ने बैठकर साइलेंट ग्रोथ के बारे में सोचा, ये बहुत अच्छा है। इसमें प्रशासन भी हमारा साथ देगा, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रशासन साथ नहीं दे रहा। यहाँ हम बैठेंगे, सुकून से बैठेंगे, साइलेंट तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके का विरोध होगा तो इंशाल्लाह हमारी आवाज पहुंचेगी। हाँ, और ये जो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये NRC और या CA देखो, जो जहाँ पे आसाम में जिस तरीके से आप देख रहे हो, YouTube पे भी आती रहती है या Facebook पे भी आती रहती है वीडियो, किस तरीके की यूज कर रहे हैं हमारे साथ। मेरा माइक नहीं बोलता ना, मेरा स्क्रीन नहीं नहीं जाए। तो आप तो इस चीज से सब सबको पता ही चल गया है, क्योंकि ज्यादातर क्या है कि कभी तो मीडिया बता देता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ बहुत ही अफसोस के साथ कि आज हम मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, हम मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाता है, हम मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है। हम वो मुसलमान हैं जिनके उलमाओं ने आज़ादी के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दी, हम वो मुसलमान हैं जिनके उलमाओं ने आज़ादी के खातिर अंग्रेज़ों से आवाज़ उठाई तो अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। हमें आज पाकिस्तानी कहा जाता है, हमें आज देशद्रोही कहा जाता है, हमें घुसपैठिया कहा जाता है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन आज देखने को तो ये मिलता है कि नरेंद्र मोदी सोते भी हैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर सोते हैं, जागते हैं तब भी पाकिस्तान का नाम लेकर सोते हैं। वो हम अपना विरोध जता रहे हैं और जताते रहेंगे जब तक के ये काला कानून हमारी सरकार वापसी नहीं लेती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर या हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो चेते नहीं है, उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके से सवाल हो जाएगा। शायद अगर ये उनको अनुमान या अंदाजा होता तो वो ये लागू नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा, चाहे उन्होंने झूठ ही बोला और ये ना झूठ बोला, कि NRC लागू नहीं हो रहा है। अगर हम आलंकन करें, हम उनका मूल्यांकन करें, तो प्रधानमंत्री की स्पीच और अमित शाह की जो गृह मंत्री है उनकी स्पीच, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं है, सब चीज की प्रक्रिया हुई, सबकी चर्चा हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको